subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे इस YouTube के चैनल पे जिसका नाम है EDU-CAREER। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप 1 के दूसरा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो इस एग्जांपल में दोस्तों सेम ही है, वही टाइप 1 ही है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा चेंज है। उस एग्जांपल में मैं बताऊंगा क्या चेंज है इसके अंदर। तो इसमें पहले क्या करते थे, जो पुराना एग्जांपल था उसके अंदर हम लोग पहले क्या करते थे, जो d^4 d/dx होता था उसको हम लोग d^2 d के कैपिटल d के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते थे। उसके बाद हम प्रॉब्लम कंटिन्यू करते थे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर दोस्तों मुझे ऑलरेडी d के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये d के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं डायरेक्ट नीचे उतारता हूँ। मुझे पता है यहां से मुझे yc मिलता है, यहां से मुझे yp मिलता है। ये पुराने एग्जांपल में मैंने बताया कि yc यहां से, yp यहां से मुझे मिलता है। तो yc के लिए मैं ये वाली जो इक्वेशन है उसको एज इट इज नीचे लिखता हूं, d^4 -18d^2 + 81y। इसको हम लोग इक्वेट करते थे, जीरो इक्वेट करते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ये जो d है इसको हम लोग यहां पे, उससे पहले मैं क्या करता हूं, ये y को डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, जीरो हो जाएगा। अब ये y जब डिनोमिनेटर में जाएगा जीरो हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन होगी। उसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या होता था, उसके बाद हम लोग ये d^4 ये d वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करते थे, m में कन्वर्ट करते थे। तो इसको हो जाएगा ये m^4 -18m^2 + 81 = 0 होता था। उसके बाद क्या करते थे, इसका हम लोग फैक्टर निकालते। जब इसका मैं फैक्टर निकालता हूं दोस्तों, तो यहां पे इसका फैक्टर हम बेसिक जो हमारे कैलकुलेटर है उससे मालूम कर सकते हैं इसका फैक्टर, या तो जो हमारे 9th और 10th में इसके जो ट्रिक्स, हमारे जो फॉर्मूलेस पता था उसके जरिए मैं इसके फैक्टर निकाल सकता हूं। तो m का मुझे फैक्टर निकालना है, तो m का फैक्टर जब मैं निकालता हूं, तो यहां पे आप एक तरीका ऐसा कर सकते हैं कि m² को आप पुट कर दीजिए p, m² को p पुट करने के बाद उसके बाद उसका फैक्टर निकाले, क्योंकि पावर 4 है तो फैक्टर आएगा नहीं। तो उसका फैक्टर निकालने के लिए मैं सिंपली पहले यही तरीका इस्तेमाल करता हूं। तो m² की जगह मैं क्या लिखता हूं, m² की जगह मैं लिखता हूं m² को मैं पुट करता हूं = p। जब m² को मैं 2 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये p² - 18p + 81 = 0। अब ये मेरी ऐसी इक्वेशन आ गई। ऐसी करने के बाद फिर बेसिक आपको तरीका पता है, वो ये जो एक तरीका था हमारे पास कि मल्टीप्लाई करके 81 चाहिए, प्लस माइनस करके मुझे 18 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 81 चाहिए, प्लस माइनस करके 18। तो यहाँ पे मेरा दो नंबर आएगा, -9 और -9। ये दोनों नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे जब मैं इक्वेशन प्लेस करता हूँ तो मेरे पास नंबर आ जाएगा p² - 9p - 9p + 81 = 0। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्या करना दोस्तों, यहां से इसके अंदर से p कॉमन लेना, इसके अंदर से मैं p कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा p - 9। फिर इसके अंदर से मैं -9 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास फिर बचेगा p - 9 = 0। इस तरीके फिर यहां से मुझे p की दो वैल्यू मिलेगी, p - 9 = 0 और p - 9 = 0। इस तरीके से दो वैल्यू मुझे मिलेगी। अब यहाँ पे p मेरा क्या है, यहां से मैं p को इक्वेट करता हूँ p = 9। फिर यहाँ पे भी p = 9, p की वैल्यू क्या थी m², तो m² = 9। सेम इधर m² = 9। इतना आने के बाद फिर m² जब वहां पे रूट खुलेगा तो m की यहाँ पे दो वैल्यू मुझे मिलेगी, m = ±3, m = ±3। ये मुझे चार वैल्यू मिल गई। ये चार वैल्यू जैसी मुझे मिलती थी तो ये चार वैल्यू मैं इधर ऐसा लिखता हूँ कि चार वैल्यू m की जो चार वैल्यू मुझे मिले वो चार वैल्यू में यहाँ पे मैं लिखता हूँ m = -3 - 3 और 3 और 3। ये चार वैल्यू मुझे m की, ये चार वैल्यू मिली। अभी जैसे ही मुझे m की चार वैल्यू मिलती है उसके बाद क्या करता था मैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट yc निकाला, yc की वैल्यू प्लेस करता। तो yc यहाँ पे क्या हो जाएगा, yc = जब हम लोग करते थे तो yc = यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 वैल्यूज है, चार वैल्यूज है। तो उस चार वैल्यूज को c1 + c2 + c3 फिर यहाँ पे +c4। इस तरीके से चारों वैल्यू में डालता था, c1 c2 c3, ये चारों कांस्टेंट में डालता था। उसके बाद यहाँ पे जब वैल्यूज के यहाँ पे मेरे i नहीं होता था, अगर i नहीं है तो e की पावर में वैल्यू जाती थी। तो सेम यहाँ पे e^-3x, ये x क्यों आता था, देखो यहाँ पे x है तो इसलिए यहाँ पे x आता था। अगर
यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा, एम है तो एम आएगा, टी है तो टी आएगा। फिर यहाँ पे भी सेम माइनस थ्री एक्स अगेन ई रेस टू माइनस ई रेस टू थ्री एक्स, फिर यहाँ पे भी ई रेस टू थ्री एक्स। अब इस प्रॉब्लम में डिफरेंट क्या था वो मैं बताऊँ। इस प्रॉब्लम में पहला डिफरेंस ये था, वैल्यू देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है, माइनस थ्री एक्स दो दो बार आ रहा है, थ्री एक्स दो दो बार आ रहा। जब वैल्यू मेरी रिपीट होगी, एक से दो बार वैल्यू जब रिपीट होगी, तो उसमें करते क्या हम लोग, जब वैल्यू रिपीट होती है तो यहाँ पे जितनी बार वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार यहाँ पे एक्स लगेगा। सपोज पहली वैल्यू एज इट इज, फिर यहाँ पे वैल्यू जब रिपीट हुई तो एक्स आया, ई रेस टू थ्री एक्स एक टाइम आया, जब दूसरी बार फिर से आएगा तो एक्स आएगा। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू मेरी थ्री टाइम्स आती है, सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मेरे पास एम की वैल्यू एक है, थ्री थ्री थ्री, अब इस तरीके तीन वैल्यू है, तो उसका अगर मुझे वाई सी मालूम करना है तो क्या होगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, फिर उसके बाद ई रेस टू थ्री एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स, ई रेस टू थ्री एक्स। अब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे पावर ऐसी चालू होती है, एक्स रेस टू जीरो, एक्स रेस टू वन, एक्स स्क्वायर, तो एनी नंबर रेस टू जीरो वन होता है, इसके लिए यहाँ पे ये चीज दिखती नहीं है, और यहाँ पे एक्स वन आता है और यहाँ पे एक्स टू आता है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये होने के बाद, जैसे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, इतना होने के बाद दोस्तों फिर क्या करना है, ये वैल्यू मेरी मैंने लिख लिया है सारी वैल्यू, अब यहाँ पे x आ गया, ये x आ गया, तो ये पूरा मेरा जो आया ये मेरा yc हो गया, यहाँ पे मेरा yc कंप्लीट हो गया। yp के लिए मुझे क्या करना होता था, yp के लिए मुझे इस इक्वेशन का यूज करना होता था, तो यहाँ पे मैं yp की इक्वेशन लिखता हूँ, तो yp इज इक्वल टू यहाँ पे ये वैल्यू 36 e रेस टू 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होता था, ये d के फॉर्मेट में जो वैल्यू होती थी वो मैं लिखता था पिछले प्रॉब्लम में जैसा मैं बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d रेस टू 4 माइनस 18 d स्क्वायर प्लस 81। तो ये वैल्यू जैसी मैं लिखा यहाँ पे, उसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसी ये वैल्यू लिखा यहाँ e रेस टू, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो कॉन्स्टेंट नंबर मैं d की जगह पे प्लेस करता था, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्स्टेंट नंबर क्या 3 है, तो yp मेरा क्या हो जाएगा, yp इज इक्वल टू 36 e रेस टू 3x, और डिनोमिनेटर में d की जगह पे क्या हो जाएगा, d को मैं रिप्लेस करूंगा 3 से, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर होगा वो आएगा, तो d की जगह पे 3 आएगा, तो 3 रेस टू 4 माइनस 18 3 का स्क्वायर देन प्लस 81। तो ये नंबर जब मैं इधर डालता हूं, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों, इस चीज को जब मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने पे डायरेक्ट इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पे इसका आंसर जब मैं सॉल्व करता हूं, तो इसका आंसर यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, 36 e रेस टू 3x। यहाँ पे इसका आंसर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर जब मैं यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करता हूं, तो इसका आंसर पहले स्टेप में इसका आंसर जीरो आता है। तो ये जब भी मेरा आंसर, ये दूसरी चीज हमें इसमें सीखनी है, पहली चीज मैंने ये सीखा कि जब नंबर रिपीट होता है तो ये चीज लगती है, दूसरी चीज मुझे क्या सीखना है इसके अंदर, कि अगर मेरा डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो होती है, जब भी मेरी डिनोमिनेटर में yp के अंदर वैल्यू जीरो होती है, yp के अंदर ही डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो होती है, तो yp के अंदर जब मेरी वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो होती है, तब क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये जीरो निग्लेक्ट करना है, जीरो निग्लेक्ट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में जीरो लेना पड़ता, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और यहाँ पे एक्स लगता है, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी yp इज इक्वल टू, ऊपर जैसा कि मैंने बताया x लगेगा, और यहाँ पे 36 e रेस टू 3x, और डिनोमिनेटर के जो वैल्यू है उसका क्या लेना होगा, मुझे उसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो ये मेरी वैल्यू है उसका मुझे क्या लेना है, सिंपली उसका सिंपल नीचे वाली वैल्यू का सिंपली आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे 4d³ माइनस 18, फिर यहाँ पे 2d, फिर प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इतनी वैल्यू आई, फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसी ये वैल्यू, फिर यहाँ पे फिर से आपको d की जगह प्लेस करना है, d इज इक्वल टू वही वैल्यू फिर से प्लेस होगी, तो d की जगह फिर से 3 प्लेस करना है, तो अगेन जब मैं 3d की जगह पे प्लेस करता हूँ, तो फिर से आंसर मेरा डिनोमिनेटर में जीरो आता है, तो फिर से जीरो आ रहा है मुझे। yp इज इक्वल टू x 36 e रेस टू 3x डिवाइडेड बाय, फिर से जीरो आ रहा है मेरा आंसर, फिर से जीरो आ रहा है, फिर से वही प्रोसीजर जाना, जब जब जीरो आए आपको ये वाली वैल्यू, यहाँ जो इस वैल्यू में जीरो आ रहा है, इस वैल्यू में फिर से इसको x से, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे मैं जब मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो yp इज इक्वल टू, यहाँ पे x पहले से था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 36 e रेस टू 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसमें जब मैं डिवाइड करता हूं, तो इसमें अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई बाय 3 डी स्क्वायर माइनस ये 18 टू तक 36 हो गया और यहाँ पे डी का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये मेरे इतनी वैल्यू आई। तो यहाँ पे जब मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो ये मेरा जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर कुछ आता है 72। तो यहाँ पे फाइनली मुझे वाई पी का एक आंसर मिलेगा, वाई पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 36 ई रेस टू 3x, एक्स स्क्वायर 36 ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, मेरा आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में 72, ये मेरा आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं 36 वन का 36 टू का, तो yp इज इक्वल टू फाइनली मुझे आंसर मिला एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x डिवाइडेड बाय 2, ये मुझे yp मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे फाइनल जो इक्वेशन लिखनी है, फाइनल इक्वेशन मेरी कैसे आएगी, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दिया हम लोग ने, तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से इसका ये दूसरा एग्जांपल था दोस्तों। अगले वीडियो में मैं इसकी दूसरी टाइप का एक एग्जांपल बताऊंगा, ये पहली टाइप के दो एग्जांपल मैंने लिया, अगली वीडियो के अंदर मैं दूसरी टाइप का, इसकी जो दूसरी टाइप है उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।